साथ ही हमारे बीच में कैनवेस परिवार की ओर से यहाँ पर उपस्थित प्रमोद परिवार जी, उनकी पूरी टीम का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जगतपाल जी, उनकी पूरी टीम का स्वागत अभिनंदन। राजीव खुराना जी जो कि लीड कर रहे हैं आज थारियंस के इस शानदार ग्रुप को, और साथ ही रविंद्र ओबराय जी और डॉक्टर धर्मेंद्र नाथ जी बाइक ग्रुप के साथ, साइकिलिंग ग्रुप के साथ हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित है। और शानदार बाइक बरेली शहर की हम और आप मिलकर यहाँ देखने वाले हैं। आदरणीय श्री अर्ष अग्रवाल एडवोकेट साहब का स्वागत अभिनंदन। और हमारे बीच में है, फ्लैग ऑफ कर रहे हैं हम सभी के श्रद्धे महामहिम राज्यपाल महोदय झारखंड परम आदरणीय श्री संतोष कुमार गंगवार जी, जिनके शुभ हाथों से प्रेम का संदेश अमर उजाला लेकर बरेली के शहरों पर पहुंच रहा है। अभिनंदन, आभार, स्वागत। माँ तुझे प्रणाम। और हमारे बीच में शहर के लोकप्रिय मेयर साहब महापौर महोदय डॉक्टर उमेश गौतम श्री हम सभी के बीच में हो चुकी है। हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मेयर साहब डॉक्टर उमेश गौतम साहब भी, और फ्लैग ऑफ हो रहा है जहां बाइक्स को हम लोग चलाए। अपनी अपनी गाड़ियों में रेडी हो जाइए, बिकॉज वी आर ऑफ टू लीव नाउ। थैंक यू सो मच मेयर सर, थैंक यू सो मच, आप आए बाहर आई, थैंक यू सो मच। वी थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ क्लब थारियंस, थैंक यू। अमर उजाला के माँ तुझे प्रणाम कार्यक्रम के तहत तिरंगा रैली निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं पीछे रैली के लोग बड़े उत्साह के साथ इसमें दिखा रहे हैं। शहर के प्रथम नागरिक भी इसमें शामिल हैं, साथ ही बाइकर्स का ग्रुप है। बाइकर्स का ग्रुप पूरा उत्साह के साथ तिरंगा हाथों में लिए इसे इंजॉय कर रहा है और देशभक्ति भावना को दर्शा रहा है अपने। पीछे देख सकते हैं थारों का ग्रुप है, कितना बढ़िया लग रहा है ये थारों का ग्रुप। और तिरंगा में यात्रा बहुत ही ज़्यादा प्रेरित करने वाली है। स्वतंत्रता दिवस से पहले ये कार्यक्रम एक बहुत ही सफल कार्यक्रम साबित हो रहा है। धन्यवाद।
के उपलक्ष्य में अमर उजाला के अभियान के मातृ प्रणाम के तहत लोग सेवा कर रहे हैं। और ये देखिए साइड से युवा उत्साहित है और पीछे महान रैली आ रही है। अभी हम महादेव सेतु पर हैं, इसके बाद जो बरेली क्लब से शुरू हुआ ये कारवा है, ये रैली है, इसका समापन स्टेडियम में होगा। बरेली क्लब से शुरू हुआ रैली का कारवा अब आदिनाथ चौराहे पर पहुंच चुका है। यहां देख सकते हैं बारिश के बीच लोगों में उत्साह है और रैली के प्रति कितना उत्साह है। बारिश के बीच भी लोग लगातार इसमें उत्साह के साथ प्रतिभा कर रहे हैं। इसी तरीके से हर साल रैली में उत्साह देखने को मिलता है और युवा हो चाहे बुजुर्ग हो या नौजवान जो भी, सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आम जनमानस भी बरसात के बीच लोकतंत्र के इस महापर्व को सेलिब्रेट कर रहा है। भारत माँ के जयकारे के बीच यहाँ पर जो रैली का कार्यक्रम है ये अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुका है। बरेली क्लब से शुरू हुई है यात्रा, अब समापन की ओर है, स्टेडियम में आ चुके हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप फूलों से स्वागत किया जा रहा है रैली का और भारत माता की जयकारे के बीच बहुत ही उत्साह के साथ लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया है। घर तिरंगा कार्यक्रम का प्रथम दिवस है और अमर उजाला परिवार द्वारा जो यात्रा निकाली गई है निसंदेह यह जनपद में और नगर निगम क्षेत्र में लोगों में आज़ादी की भावना जगाने के लिए, लोगों को अपने घर पर, दुकान पर और अन्य प्रतिष्ठान पर तिरंगा लगा के रिस्पेक्टफुली उसको फहराने के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम है। और इसमें प्रतिभाग करना हमें लगता है कहीं ना कहीं हमारे देश प्रेम को प्रदर्शित करता है। मैं आपके माध्यम से जनपद के समस्त लोगों से यही अपील करूंगा कि एक तिरंगा आपका घर हो, दुकान हो, मकान हो, प्रतिष्ठान हो, शिक्षण संस्थान हो या कोई भी हो, जरूर लगाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज़ादी के पर्व से दो दिन पहले आज जो अमर उजाला द्वारा ये आयोजन किया गया है, अभी मैं देख रहा हूँ कि सभी लोगों में जहाँ जहाँ से रैली गुजर रही थी वो देशभक्ति का भाव, वो झंडा लेके चल रहे लोग, उनकी आंखों में चमक वो दिखाई दे रही थी कि राष्ट्र के प्रति कितना समर्पित हैं लोग। आपके माध्यम से मैंने लोगों से पूछा भी था और ये आग्रह भी करना चाहता हूँ कि आज ही से अपने घर पर, अपने प्रतिष्ठान पर झंडा ज़रूर लगाएं। एक ये जो कुछ लोगों ने पहले कहा था उसमें अमेंडमेंट हो गया एक्ट में कि झंडा हम रात को उतारना पड़ेगा, शाम को और फिर सुबह लगाना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है, आप निजी प्रतिष्ठान के ऊपर 24 घंटे झंडा लहरा सकते हैं। तो आपके माध्यम से लोगों से कहना है कि हर घर तिरंगा, जिस तरह माँ तुझे प्रणाम की आज ये रैली निकली है, इसको देखते हुए सभी लोग जिस जोश के साथ आज रैली में शामिल थे उसी जोश के साथ अपना झंडा लगाएं और देश को अपना समर्पण दिखाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।